हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्सिम। यहाँ पर सीरिया लीग का मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा टोरिनो वर्सेस एटलांटा के बीच 1:15 बजे, और अमेजिंग मैच है। कल तो देखो कोई मैच है ही नहीं, मतलब कल है वैसे लेकिन सुबह का मैच नहीं है, मतलब कल सीधा शुरू होंगे मैच 7:30 बजे शाम को। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। सो बढ़ते हैं आगे, देन बात करें अगर हम इस मैच की, तो मैच तो देखो अच्छा है लेकिन आपने देख के खेलना है, क्योंकि एटलांटा टीम ना बहुत कहीं बट थोड़ा मतलब धोखा दे देती है, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड देती है ना प्रीमियर लीग में, वैसे ही एटलांटा टीम कई बार बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देती है। तो बंदा सोचता है कि अरे मैंने क्या गलती कर दी। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि एटलांटा टीम को बहुत मतलब स्ट्रगल करके जीतने पड़ते हैं मैचेस, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। ठीक है, तो स्ट्राइकिंग की बात करूँ, देखो स्कैमका, देखिए जी स्कैमका वैसे अच्छा है लेकिन बहुत रेयर चलता है, मतलब जैसे 30 अक्टूबर को अचानक से 2 गोल कर देना, जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि 2 गोल करेगा ये खिलाड़ी, जो बंदा इतने दिनों से गोल का मोहताज हुआ था और वो सीधा 2 गोल कर गया 30 अक्टूबर को एम्पोली टीम को। तो मतलब ये चीज़ देखने को मिलती है, ये एटलांटा टीम कभी भी फॉर्म में आती है, जैसे एम्पोली के खिलाफ आई थी। उसके बाद लुकमैन की बात करूँ, देन ए लुकमैन तो देखो एक्सपीरियंस प्लेयर है। उसके बाद इसको पीछे मैंने कितने टाइम यहाँ पर खेलते भी देखा है, और डी ज़बाटा पहले इसी क्लब में था, आज वो अपने पुराने क्लब के खिलाफ खेल रहा है, पहले ये एटलांटा में ही था, अब ये TOR की तरफ से खेल रहा है। तो पर मेरा क्या है कि मैं सेनाबारी और ज़बाटा में से एक लूँगा, अभी मैं सेनाबारिया ले रहा हूँ। ठीक है, एंड मिडफील्डिंग की बात करें, कूप मिनर्स इज़ अ गुड प्लेयर, कूप मिनर्स को यहाँ पर मैं लूँगा। कूप मिनर्स के बाद ई डॉस सैंटोस जो खिलाड़ी है, इसके साथ मैं जाने वाला हूँ। एडरसन डॉस सैंटोस इज़ अ ग्रेट प्लेयर, खेलने का जो मतलब जो स्टाइल है, जो गेम प्ले है, बिना गोल करे 25-30-35 पॉइंट देना, कोई बुरा खिलाड़ी नहीं होता भाई, बिना गोल करे 30 पॉइंट भी मैं कहता हूँ बहुत है। उसके बाद अगला प्लेयर है इलिक के बाद व्लैसिक लेना है ले लो, नहीं लेना देन यू कैन ड्रॉप। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि व्लैसिक की जगह आपको मैं कहूँगा कि किसी भी मिडफील्डर को आप यहाँ से मत लो, आप सीधा जाओ डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर, और इनका एक मेन डिफेंडर है टीओआर टीम का, जिसका नाम है एलेसेंड्रो, बहुत एक्सपीरियंस और पुराना, इसलिए मैं कहूँगा आपको इसको लेना चाहिए। क्योंकि कब तक आप एक फालतू मिडफील्डिंग पे रिस्क लेते रहोगे, या तो मिडफील्डिंग बहुत अच्छी हो तो मैं कहूँगी कि हाँ भाई रिस्क लो, जैसे हम लोग लेते हैं, लेकिन जब मिडफील्डिंग का पता है कि भाई भरोसेमंद नहीं है तो भी मिडफील्डर पे रिस्क क्यों लेना। ठीक है, उसके बाद आगे से बात करूँ तो ये बहुत बढ़िया भी चल रहा है, लेकिन सैयद की आज जो फॉर्मेशन है उसमें फ़र्क है, आज ये टॉप क्लास मिड डिफेंडिंग करेगा। और आगे से बात करें, देन यहाँ पर है हमारी टीम में बैरेट जिमिस्टी। ठीक है, जिमिस्टी के बाद रगरी खेला तो अच्छा है, लेकिन मैं ना रगरी की जगह स्कैल्विनी को सोच रहा हूँ, क्योंकि स्कैल्विनी का यार बहुत नाम है मतलब, और जबकि ज़ैपा कोस्टा तो इन पर बहुत भारी पड़ता है, ज़ैपा कोस्टा खेला फिर तो बात ही अलग है, फिर तो सोचना ही नहीं। बट ज़ैपा कोस्टा पिछले मैच में इंजर्ड हुआ था ना, तो मेरा थोड़ा मन नहीं मान रहा, 25 नवंबर को इंजर्ड हो गया था नेपोली के खिलाफ, तो इसलिए मैंने अभी इसको लिया नहीं। उसके बाद गोलकीपिंग की बात करें, वी मिलिनकोविक सैविक टोरिनो का सबसे मेन गोलकीपर, बट खेलना चाहिए क्योंकि पिछले मैच के अंदर इसकी जगह पर किसी अन्य प्लेयर को चांस मिला था, जो कि है TOR का एल गमेलो, जबकि गमेलो कुछ भी नहीं है सैविक के सामने, तो मैं चाहता हूँ सैविक खेले। बात करें कप्तान की, कप्तान है यहाँ पर हमारा लुकमैन, और वाइस कप्तान जो मेरा रहने वाला है दैट वॉज कूप मिनर्स। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।